मित्रों, आपको अब तक ये तो पता लग ही गया है कि 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 10-11-12 सितंबर को भोपाल में हो रहा है। मैं पृष्ठभूमि के रूप में थोड़ा सा बता दूं कि विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत 1975 से हुई, जब पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ। कायदे से तब से लेकर आज तक 40 वर्ष हो गए। ये तय हुआ था कि 3 वर्ष के अंतराल पर विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ करेगा, तो अब तक 13 सम्मेलन हो जाने चाहिए थे, लेकिन पिछली सरकारों में कुछ ऐसा रहा कि कभी 4 वर्ष बाद, कभी 6 वर्ष बाद, कई कई अंतराल, 2-2 अंतराल भी इकट्ठे निकल गए, और इसी कारण से अभी तक 13 नहीं 9 ही विश्व हिंदी सम्मेलन हो पाए। और पिछला विश्व हिंदी सम्मेलन जोहानसबर्ग में हुआ था। अभी तक जो 8-9 सम्मेलन पहले हुए हैं, उनमें से 2 भारत में हुए, 2 मॉरिशियस में हुए, जहाँ विश्व हिंदी सचिवालय भी है, 1 सुरीनाम में हुआ, 1 त्रिनिदाद टोबैगो में हुआ, 1 लंदन में हुआ, 1 न्यूयॉर्क में हुआ, और 1 जोहानसबर्ग में हुआ। तो पिछली बार जब जोहानसबर्ग में हुआ तो तय कर दिया गया था कि अगला विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में होगा। अब हमको तय करना था कि भारत में हम कहाँ करें, तो सारी चीजें सोच विचारने के बाद हम लोगों ने भोपाल को चुना। एक तो भोपाल भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, हिंदी भाषी राज्य है, और भारत का प्रथम हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में स्थापित हुआ है। और थोड़ा सा आप कह सकते हैं मोह का पुट भी जरूर रहा होगा मेरे चयन में, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती हूँ लोकसभा में, तो हमने भोपाल को चुना। ये इन 9 सम्मेलनों की पृष्ठभूमि है। और अब जो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कर रहे हैं वो एक मायने में अलग है, क्योंकि अभी तक जितने विश्व हिंदी सम्मेलन हुए वो लगभग साहित्य के इर्द गिर्द घूमते रहे। साहित्य की भाषा, साहित्य के इडियम, साहित्य के मुहावरे, साहित्य की चीज़ें, उनका प्रकाशन। लेकिन पहली बार हमने इसको थोड़ा अलग हट करके हिंदी की क्षमताओं के ऊपर बात करने की बात की है, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता रहा, विशेष तौर पर विदेश मंत्री बनने के बाद जब मैं बाहर जाती थी, कि अगर चीनी अपनी भाषा चीनी में सारा विज्ञान पढ़ा सकते हैं, अगर जैपनीज जापानी में सारी पढ़ाई पढ़वा करके शिखर पर पहुंच सकते हैं, जर्मन जर्मनी में पढ़ाई करवा सकते हैं, फ्रेंच में इसको पढ़ा सकते हैं, अगर उन देशों में उनकी अपनी भाषाओं में ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई और बाकी सारी शिक्षा हो सकती है, तो हम अपनी भाषा को इतना अक्षम क्यों मानते हैं कि हमने तय कर दिया है कि विज्ञान की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई केवल अंग्रेजी से होगी। और उसका जो सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है वो उन बच्चों को भुगतना पड़ता है जिन्होंने अपनी पहली शिक्षा सारी हिंदी माध्यम से की है, और अगर वो हिंदी माध्यम के बाद विषय अंग्रेजी में पढ़ते तो भाषा और विषय दोनों की जानकारी का बोझ उनके ऊपर पड़ता। ये बहुत बड़ी कमी है। तो इसलिए इस बार मैंने विषय रखा हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं, यानी हिंदी की संभावनाएं जो हैं उन सबके बारे में चर्चा करें और उसका विस्तार कैसे हो। तो मुख्य विषय है हिंदी जगत - विस्तार एवं संभावनाएं, और उसके उपविषय हैं विदेश नीति में हिंदी। अब आप हैरान होंगे कि विदेश नीति में ICWA जो इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स है वो पुस्तकें निकालता है। जब पहली बार मैं विदेश मंत्री के नाते वहाँ बुलाई गई और मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने कितनी पुस्तकें अभी तक हिंदी में निकलवाई, तो जवाब आया एक भी नहीं। जब मैंने कहा अच्छा कितनों का अनुवाद कराया, तो जवाब आया एक भी नहीं। जब मैंने कहा कितने शोध पत्र या लेख लिखे गए, तो जवाब आया एक भी नहीं। तो मैंने कहा मैं समझती थी कि हिंदी का अंग्रेजी का वर्चस्व है विदेश नीति पर, लेकिन आपकी बात सुनकर तो लग रहा है कि अंग्रेजी का आधिपत्य है, एकाधिकार है। तो आप ये मानकर बैठे कि विदेश नीति हिंदी में नहीं समझाई जा सकती। मैंने कहा मैं तो शुद्ध हिंदी में बात करती हूँ, चाहे संसद में बात करूँ चाहे बाहर बात करूँ। प्रधानमंत्री हिंदी में बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र सभा को भी उन्होंने हिंदी में संबोधित किया। और मैंने कहा कि मेरी भाषा नीति मैंने पहले दिन से ये अपनाई कि जितने भी विदेशी अतिथि आते हैं जब वो अंग्रेजी में मुझसे बात करते हैं तो मैं अंग्रेजी में करती हूँ, क्योंकि किसी भाषांतरकार की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो बोलते हैं मैं समझती हूँ, मैं बोलती हूँ वो समझते हैं। लेकिन अगर कोई जापान से आकर जापानी में बोलता है, अरब वर्ल्ड से आकर अरबिक में बोलता है, चाइनीज़ यहाँ आकर के चाइनीज़ में बात करता है, रशियन रूसी में बात करता है,
तो मैं हिंदी में बात करती हूँ, मैं उसको ये क्यों कहने दूँ कि भी मेरे देश की भाषा अंग्रेजी है? अगर तुम्हें रूपांतर ही चाहिए, भाषांतर ही चाहिए, तो वो अंग्रेजी से क्यों हो, वो हिंदी से क्यों नहीं हो? और मैंने अपने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा को ये जिम्मेदारी सौंपी कि आप ये जितनी भाषाएं हैं विदेश की, उनसे हिंदी रूपांतरकार, हिंदी भाषांतरकार तैयार करिए। तो इसीलिए हमने जो इस बार विषय रखा वो हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं, और उसके उप विषय रखे विदेश नीति में हिंदी, प्रशासन में हिंदी, विज्ञान में हिंदी, मीडिया में हिंदी, बाल साहित्य में हिंदी, इस तरह के सारे विषय निकाल करके उनमें हिंदी, और इसके साथ साथ हिंदी पत्रकारिता में भाषा की शुद्धता, एक सत्र ये भी रखा। एक तो हिंदी आ नहीं रही, और जो आ रही है वो खिचड़ी आ रही है। Powered by NNIS.